गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगात गति सोते चादर तान। गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थी, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। लगभग 250 वर्ष पहले बोली गई ये अमृतवाणी परम पूजनीय संत गरीब दास जी महाराज जी की है। फाल्गुन मास की शुद्धि द्वादशी का दिन भक्त समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन सन 1727 में संत गरीब दास जी महाराज जी को पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी अपने निज धाम सतलोक से आकर मिले। जिंदा बाबा के रूप में परमेश्वर कबीर जी ने बालक रूप में संत गरीब दास जी महाराज जी को अपने वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवा के ऊपर के सभी लोगों को दिखा सतलोक ले गए और फिर वापस छोड़ दिया, जिसके बाद परमेश्वर जी की वास्तविक स्थिति से परिचित होकर संत गरीब दास जी महाराज जी ने कबीर परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई है और भक्त समाज के लिए श्री सद ग्रंथ साहिब अर्थात अमर ग्रंथ की रचना की। इसी उपलक्ष में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके आश्रमों में संत गरीब दास जी महाराज जी के सद ग्रंथ साहिब की अमर वाणियों का अखंड पाठ व धर्म यज्ञ भंडारे आदि का आयोजन किया गया है। सन 1717 को आदरणीय गरीब दास जी महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में हुआ। धनकड़ गोत्र में जन्मे गरीब दास जी के पिता का नाम बलराम जी था, जो कि ग्राम करौथा जिला रोहतक के रहने वाले थे, किंतु उनके ससुर श्री शिवलाल जी का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके कहने पर वो अपने ससुराल गांव छुड़ानी में ही घर जमाई बनकर रहते थे, जहां 12 वर्षों के बाद उनको पुत्र रत्न में परम पूजनीय संत गरीब दास जी महाराज जी की प्राप्ति हुई। जिस समय संत गरीब दास जी 10 वर्ष के हुए, तब प्रतिदिन की तरह ही वो गायों को चराने के लिए अन्य ग्वालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। तब कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा बाबा के वेश में प्रकट हुए और गांव कबलाना की ओर से छुड़ानी को जाने लगे। जिंदा बाबा रूप में परमेश्वर जब ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने परमेश्वर को राम राम कर उनका आदर सत्कार किया और भोजन करने का आग्रह किया। परमेश्वर ने राम राम स्वीकार की और कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से ही खाकर चला था। तब गांव वालों ने कहा कि महाराज, फिर खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा, हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। तब दयालु परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, दूध पिला दो और सुनो, मैं कुवारी गाय का दूध पीता हूँ। इस पर बड़ी उम्र के ग्वालों ने कहा कि बाबा जी, आप तो मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नियत नहीं है। परंतु बालक गरीब दास जी खड़े हुए व अपनी प्रिय बच्चिया को लेकर कबीर जी के पास आए और कहा कि महाराज जी, इसका कोई बच्चा तो है ही नहीं, ये दूध कैसे देगी। तब कबीर परमेश्वर जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उस बच्चिया के ऊपर रखा, जिससे उसके थन बड़े बड़े हो गए और थनों से दूध की धार बह निकली, जिससे एक पात्र जो पाली साथ लाए हुए थे उसमें निकाला गया। इस दूध को कबीर जी ने पिया व ग्वालों से कहा, ये अमृत है बच्चों, इसे पी लो। तो बड़ी उम्र के ग्वालों ने कहा कि कुवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे, और दूसरा, आप न जाने किस जाति के हो, आपके झूठे दूध को हम नहीं पिएंगे, और ये कहकर उठकर चल दिए। परंतु गरीब दास जी ने कहा कि बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए, और कुछ दूध बालक गरीब दास जी ने पिया, जिसके बाद परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीब दास जी को ज्ञान उपदेश दिया व संत गरीब दास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग कर ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई और सतलोक में अपने वास्तविक रूप में दर्शन कराए व सर्व ज्ञान का बोध कराकर कहा कि हे गरीब दास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है, 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं, शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को भी मैंने ही उत्पन्न किया है, इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है, मैं प्रत्येक युग में पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ और अब कलयुग में 120 वर्ष तक पृथ्वी पर
कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका भी करके आया था। ये सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि हे परवरदिगार, ये ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है, अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। वापस आने पर संत गरीबदास जी ने सतलोक और परमात्मा कबीर जी का आंखों देखा हाल जो वर्णित किया, वो एक दादूपंथी संत गोपाल दास जी ने लिखा, जो आज सदग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर की महिमा बताते हुए संत गरीबदास जी कहते हैं, परपट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। संत गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन ये बहुत ही सांकेतिक है, जिसे समझने के लिए परमात्मा की विशेष अनुकंपा की आवश्यकता होती है। इस बारे में कबीर जी ने स्वयं कहा था कि गरीबदास जी के पंथ के लोग भी इस गूढ़ ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। इस कारण 12वें पंथ गरीबदास जी के पंथ में आगे चलकर मैं खुद आऊंगा व सभी पंथों को मिटाकर एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा। इसी गूढ़ ज्ञान को समझाने के लिए संत रामपाल जी के रूप में कबीर परमेश्वर अवतरित हैं, जिन्होंने गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब से भक्ति के गुण रहस्य को उजागर किया है व सभी नकली पंथों के अज्ञान को जनता के सामने रूबरू कर मोक्ष के मूल मंत्रों सतनाम व सारनाम को उजागर किया है। संत गरीबदास जी ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे चमत्कार किए जो उनकी अनूठी शक्ति के परिचायक थे। संत गरीबदास जी की माता जी रानी माँ ने एक बार गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की थी, तो गरीबदास जी ने गंगा नदी वहीं छुड़ानी में ही प्रकट कर दी। आज भी इसी कारण छुड़ानी गांव के एक जोहड़ को गंगा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। एक बार मस्तनाथ नाम के सिद्ध पुरुष संत गरीबदास जी को नीचा दिखाने के लिए छुड़ानी आए व गांव में अपनी सिद्धि से आग लगानी चाही, तो संत गरीबदास जी ने कहा कि नाथ जी, संत गांव को नष्ट नहीं करते बल्कि आबाद करते हैं। आप अपनी शक्ति से यहां कोई कुआं बना दो ताकि पानी की सुविधा हो। परंतु मस्तनाथ जी नहीं माने व आग लगाने की कोशिश की, तो संत गरीबदास जी की रजा से मस्तनाथ के मत जो कि गांव अस्थल बोहर जिला रोहतक में है, वहां आग लग गई, जिससे भयभीत होकर मस्तनाथ जी ने माफी की याचना की, जिसके बाद संत गरीबदास जी ने वो आग शांत की। उसके बाद मस्तनाथ जी ने अपनी सिद्धि का प्रयोग किसी को कष्ट देने के लिए नहीं किया बल्कि सामाजिक महत्व के बहुत से कार्यों में सहयोग दिया। संत गरीबदास जी के जीवन से संबंधित एक प्रकरण बहुत ही रोचक है, जो अपने आप में एक अजूबा है। संत गरीबदास जी का एक शिष्य था भूमड़। वो गरीबदास जी की अत्यधिक संगति करता था तथा उन पर पूर्ण समर्पित था। वो प्रति महीना सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर संत गरीबदास जी के दर्शनों के लिए जाया करते थे। एक दिन गरीबदास जी ने उनको कहा कि आज के बाद तू छुड़ानी नहीं आएगा। इस पर भगत भूमर बहुत भावुक हो गया, तो गरीबदास जी ने कहा कि बेटा, मैं तेरे पास तेरे घर खुद आऊंगा। भूमर बहुत खुश हुआ और संत जी के 100-100 शुक्र मनाए। लेकिन 6 महीने बीतने के उपरांत भी गरीबदास जी नहीं आए तो भूमर बहुत चिंतित हुआ कि मेरे से न जाने ऐसी कौन सी गलती हो गई कि परमात्मा रुष्ट हो गए, मुझे छुड़ानी में आने से मना कर दिया और यहाँ भी नहीं आए। इसी दौरान संत गरीबदास जी ने छुड़ानी में अपना शरीर छोड़ दिया और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन भूमड़ की तड़फ देखकर गरीबदास जी पुनः उनके पास सहारनपुर यूपी में प्रकट हुए व 30-35 वर्ष तक वहीं रहे। इसके बाद पुनः शरीर छोड़ा व वहीं सहारनपुर में उनका दोबारा अंतिम संस्कार किया गया। ये कोई ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। आज वर्तमान में भी सहारनपुर व छुड़ानी दोनों जगह संत गरीबदास जी महाराज जी की समाधि रूप में यादगार बनी हुई है। वास्तव में संत गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म कबीर जी के अवतार थे व पूर्ण शक्ति युक्त थे। आज उन्हीं परम संत का बोध दिवस है,
जिनकी बदौलत इस संसार को परमेश्वर की वास्तविक महिमा की जानकारी संभव हो पाई और अज्ञान के अंधकार से निकलकर परमात्मा पाने के रास्ते का ज्ञान हुआ, जिससे सर्व समाज को आज अपने जीवन को सार्थकता व इसे सफल बनाने की दिशा मिली है। सत साहिब,